गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, आज है करवा चौथ, लेकिन इससे पहले मेहंदी कैसी लगी, सरगी क्या खाई और क्या क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना। और ये है मेरा मॉर्निंग का लुक करवा चौथ का, तो इससे पहले के दिन का आप hey लोग फैमिली। तो रात के बज रहे हैं 12:30। अभी मैंने जस्ट अपने आप पैरों में मेहंदी लगाई है और हाथों में मैं कल लगाऊंगी। और मैं जस्ट फ्रेंड्स मैं जस्ट अभी बैठी हूँ अपना ब्लीच फेशियल करके, और पैरों में मैंने मेहंदी लगा ली है और हाथों में तो कल लगवाएंगे मार्केट जाकर। और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, सुबह मुझे 5:30 बजे उठना भी है, मतलब बच्चों को स्कूल के लिए। तो अभी सो जाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड कल देखते हैं, कल भी मुझे मार्केट जाना है यार, छोटी मोटी चीज़ें रह गई है, बिंदी नहीं है, मम्मी के लिए श्रृंगार का सामान रखना है वो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी है मुझे, कल करनी ही करनी है क्योंकि परसों करवा चौथ है और शाम के टाइम लगानी है मेहंदी हाथों में। बाकी मेरी वैक्स वगैरह सब कुछ हो गया है, ब्लीच फेशियल वेशियल मैंने खुद से ही कर लिया है। बाकी ब्लीच फेशियल का जो ग्लो होता है ना, दूसरे या तीसरे दिन आता है। बाकी फेस देखो बिना मेकअप के भी साफ ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ पार्लर अपना, थ्रेडिंग अपर लिप्स फोरहेड वगैरह करवाने। ब्लीच फेशियल तो मैंने घर पे कर ही लिया था, तो यहाँ पर मैं पार्लर में आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बाहर का पार्लर का भी शूट कर ही लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी सी आदत बनेगी बाहर वीडियो शूट करने का, एजिटेशन तो निकालनी है ना। तो यहाँ पर फटक फटक से मेरी एक्स्ट्रा बाल निकाले थे क्योंकि इससे पहले मैंने अभी हाल फिलहाल में ही थ्रेडिंग बनी। फ्रेंड्स मैं लगवाने आई हूँ मेहंदी हाथों में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई है और काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारी और काफ़ी सुंदर मेहंदी इन्होंने लगाई है, और छोटी सी गुड़िया ही है मतलब, ठीक है। और मतलब मैंने सोचा ना कि मैं, ये टाइम है 12:00 बजे का टाइम होगा, मैंने कहा चलो अभी लगवा के फ्री हो जाती हूँ ताकि फिर बच्चे जब आएंगे ना तो उनके भी बहुत काम हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी मैं फ्री हूँ तो फिर लगवा ही लेती हूँ, लगवानी तो है ही। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना मेहंदी, बहुत सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं देखो पार्लर से आई, थ्रेडिंग वेडिंग मैंने बनवा ली है और मैंने मेहंदी भी लगवा ली है अपनी, मैं मेहंदी लगवा के फ्री हो गई हूँ। हमेशा से मैं इवनिंग में ही लगवाती हूँ, रात को लगवाती हूँ, अभी मेरे को इग्नोर करना क्योंकि यार ऐसे हूँ ना, मैं पार्लर से जस्ट अभी आई हूँ तो जस्ट मेरे घर के थोड़े से दूरी पर ही पार्लर है, तो मैंने सोचा चलो फ्री हो जाते हैं और मेहंदी लगवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, बाकी सुबह का नाश्ता मैंने सबका दे दिया है, और अगर बीच में कुछ भी होता है जैसे बच्चे आते हैं वैसे तो मैं फ्री हो जाऊंगी 3 बजे तक, हटा दूंगी इसको, लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ बोल रही हैं कि बच्चे आएंगे तो मैं उनको जो भी कुछ माँ खाने के लिए देंगे वो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो फ्री हो जाऊंगी। तो देखो मेरी तो तैयारियाँ बहुत अच्छे से हो रही है, आप लोगों की भी हो रही होगी, कैसे कैसे किस किस की हो रही है, जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर है मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, काश मैं भी किसी की फेवरेट बनूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप की फेवरेट ऑल टाइम हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करती हो ना तो आपको सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी मेहंदी है, ये देखो बहुत ही प्यारी सी, बाकी जो कलर आएगा तो वो तो दिखाएंगे ही, और बहुत एक्साइटेड होते हैं ना हर कोई करवा चौथ को लेके, क्यों, क्योंकि हम, हमको मतलब एक तैयार होने का, ब्यूटीफुल लगने का, बनने का एक मतलब, एक करवा चौथ एक स्पेशली त्यौहार है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, और बस बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर में, ठीक है, और जो भी होगा मैं आज का अपना जैसा भी होगा सबको शेयर करूंगी, और करवा चौथ का स्पेशल व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखना कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें होने वाली हैं, लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देखते रहना, तो बने रहना मेरे व्लॉग में। एंड देखो मेहंदी, मेहंदी तो सबको पसंद है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे पति देव के, तो मैंने प्रेस कर लिया क्योंकि मैंने कहा चलो अभी फ्री हैं तो कर लेते हैं। और मेहंदी ये देखो, आप देखते हैं कल तक ये डार्क होती है या नहीं होती है, तो अभी हल्की फुल्की लगी हुई है मेरे, और मैंने बस अभी पैक वगैरह लगा दिया क्योंकि मैंने ना
ब्लीच फेशियल तो रात को ही कर लिया था, लेकिन मैंने पैक नहीं लगाया था, मतलब पैक चारकोल वाला मैंने जो लगाया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबसे बेस्ट लगता है वो मुझे, तो वो मैंने लगा लिया है और बस एक्साइटेड है यार। थोड़ी सी होपलेस हो जाती है कि यार कैसे तैयार होंगे, कैसे क्या करेंगे, बट सब कुछ हो जाएगा, देखते हैं। कल का व्लॉग ज़रूर देखना, मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे तैयार हुई हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेहंदी, मैं अब इसका अवॉइड ही कर रही हूँ, लेकिन खाना बनाना है मुझे, बाकी आगे का तो हाथ मेरा एकदम क्लीन हो गया, बन जाएगा खाना मेरा। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है सरगी टाइम। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम खाया था पहले करवा चौथ पे, वही मैं अब तक खाती हूँ, रबड़ी और चाय। चाय भी ऐसी। फैमिली गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ मेरी सारी ब्यूटीफुल लेडीज को। तो ये देखो मेरी मेहंदी का कलर, और अभी मेरी सासू माँ देखे गई हैं सरगी। तो ऐसा होता है कि जो पहले करवा चौथ पे जो भी खाते हैं, हमारे में ऐसा होता है, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, जो भी पहले करवा चौथ पे खाते हैं वही अब तक मैं खा रही हूँ। तो मैं खा रही हूँ रबड़ी और चाय, मैंने कुल्ला वगैरह कर लिया है, हमारा जैसा होता है वैसा ही हम करेंगे। तो मैंने मुँह हाथ धो लिए हैं, और बासी मुँह ही, मतलब ऐसा नहीं कि नहा धो के, इस तरीके से होता है। और मैं अपना सरगी को फिनिश करूँगी, बस हैप्पी करवा चौथ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह मैंने आपको दिखाया कि मैंने सरगी खाई, और अभी मैं नहा धो के मंदिर होके आ गई हूँ, क्योंकि मंदिर में रोज़ जाती हूँ तो आज तो बनता ही है। और घर में जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद मैंने ले लिया है, चाची जी के यहाँ या फिर जितनी भी जिठानियाँ हैं सबका, सास ससुर सबका मैंने आशीर्वाद ले लिया है सुबह सुबह। और मेरी मेहंदी का कलर देखो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर आया है, काफ़ी सुंदर आया है मेरी मेहंदी का कलर। और अब हम जब हमारी 3 या 4 बजे इकट्ठा होती है तब हम रेडी होंगे। फिलहाल मैंने ये पहन दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा सूट। देखो मैंने ना, ये देखो ये इस टाइप में चल रही है, हसली टाइप में, आधी हसली है और आधी पजेब है, इस टाइप में चल रही है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। बस अभी नेल पेंट वगैरह मैं लगाऊँगी। तो बने रहना आज मेरे साथ ब्लॉग में। और ये है मेरी शादी का मंगलसूत्र, जो मैं सिर्फ मतलब बस स्टार्टिंग में तो बहुत दिन पहना था, उसके बाद मैं बस सिर्फ तीज त्यौहार पर ही पहनती हूँ ये वाला, बाकी आर्टिफिशियल वगैरह पहन लेते हैं। चेन मैंने पहन रखी है, ये देखो रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, और ये मेरी गोद भराई की है, तो थोड़ा बहुत मैंने चूड़ा वूड़ा पहन रखा है। तो मिलते हैं आप लोगों, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ज़रूर देखना करवा चौथ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।